द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी पोस्ट की सीटें लाखों में बेचने का आरोप लग रहा है दोस्तों। न्यायालय की सीटों की धांधलीबाजी का अब तक का सबसे बड़ा मामला अब सामने आया है। सामने आई इस खबर के मुताबिक जो छात्र जो अभ्यर्थी पहले पेपर में टॉप कर रहे हैं उनके लिए दूसरे पेपर में 100 नंबर पार करना भी मुश्किल हो जा रहा है। ये हो रहा है, फिर भी उनकी तैनाती हो जा रही है। मतलब जहां एक तरफ मेहनत करने वाले छात्रों को मेहनत करके भी कोई जॉब नहीं मिल रही है, वहीं सीटों के मामले में अब तक की सबसे बड़ी धांधलीबाजी हुई है, क्योंकि सीटें लाखों में बेची जा रही है, जो खबर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, यूपी का युवा इस वक्त बेरोजगार है, क्योंकि अब तो न्यायालय में निकली भर्तियों के लिए भाई जो सीटें है ना उसमें भी लाखों की धांधलीबाजी हो रही है, वो सीटें लाखों में बेची जा रही है। योगी जी की सरकार और हमारी केंद्रीय टेस्टिंग एजेंसी की निगरानी में सीटें लाखों रुपए में बेची गई हैं। संजीव सिंह नाम के यूजर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। एक के बाद एक उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे भारत सरकार के यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स का अप्रूवल मिला हुआ है, इस एजेंसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों ही परीक्षा करवाई, यानी आरओ और एआरओ की परीक्षाएं करवाई गई, ठीक है। लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी, इन्हें अच्छी परीक्षा देने के बावजूद भर्ती नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी मेहनत की सीटें तो वही लाखों में बेच दी गई हैं। मैं आपको एक एक करके संजीव सिंह का ट्वीट इस वक्त दिखाती जाऊंगी दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखते जाइएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि खबर बहुत जरूरी है। सबसे पहला ट्वीट देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूं, जिसमें वो लिखते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी यानी राजपत्रित और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती में बड़ी धांधलीबाजी सामने आ रही है, प्रत्येक सीट लाखों में बेचने का आरोप लगा है। इस ट्वीट के साथ ही दोस्तों उन्होंने उन अभ्यर्थियों की मार्कशीट भी जारी की है, क्योंकि मार्कशीट रिजल्ट आ चुका है दिसंबर में, तो वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस वक्त, जिसके मुताबिक एक अभ्यर्थी पार्ट एक में 200 मार्क्स लाता है और पार्ट टू में सीधा 150 नंबर उसके कट जाते हैं, 50 नंबर पर वो आ जाता है, 78 से सीधा 13,04,000 नंबर आ जाते हैं। इसी मामले पर संजीव सिंह ने दूसरा ट्वीट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि एक ही तरह के एग्जाम में 200 में से 192 नंबर लाकर टॉप करने वाला अभ्यर्थी दूसरे एग्जाम में 100 नंबर भी नहीं ला पाता है। दोनों परीक्षाओं के बीच का अंतराल सिर्फ एक सप्ताह था और पाठ्यक्रम भी एक था, यानी सिलेबस भी एक था। ऐसा चमत्कार करने वाला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बाकी बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद संजीव सिंह तीसरा ट्वीट करते हैं, जिसमें इन्होंने लिखा कि ये सहायक समीक्षा अधिकारी टॉपर हैं, इन्हें पता था कि ये एआरओ में टॉप करने वाले हैं, इसलिए एक सप्ताह पहले उसी सेंटर पर आरओ का पेपर ये देने के लिए नहीं गए। बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। तो आप देखिए, सोचिए कि आरओ में नहीं गए और एआरओ में इनका सिलेक्शन हो गया। इसमें संजीव सिंह का कहना था कि एक अभ्यर्थी एग्जाम देने नहीं पहुंचा, उसके बावजूद उसका सिलेक्शन हो जाता है, ये कैसे संभव है? आप सोचिए ना, एक टर्म से दूसरे टर्म पे जाएंगे ना। वहीं संजीव सिंह ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अभ्यर्थी का यूपीएससी का स्कोर कोड भी स्कोर कार्ड भी शेयर किया दोस्तों, जिसके मुताबिक जो अभ्यर्थी यूपीएससी में महज 14 नंबर लाया, वो अगले ही पार्ट में 192 नंबर कैसे ला सकता है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो परीक्षा है, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिसंबर में करवाई थी, जिसका रिजल्ट आया था 2021 में। अब यहां सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है जो ये है दोस्तों, कि न्यायालय में भर्तियों में ये धांधलीबाजी हो रही है, ऊपर से रिजल्ट का ठप्पा लगाकर इसे वो एजेंसी भेज रही है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मिनिस्टर्स काउंसिल का इसको अप्रूवल मिला हुआ है, तो सीटों का खुलेआम सौदा चल रहा है। शायद इन्हीं नौकरियों की बात मोदी जी और योगी जी करते आए हैं, क्योंकि ये साहब तो इसी तरीके से नौकरी दिलवा सकते हैं, शायद इसी तरीके से धांधलीबाजी होती है हमारे सिस्टम में। पहले अभ्यर्थियों से लाखों रुपए खाओ, फिर सीटों का सौदा करो और तब जाके इनको नौकरी दो, और इन्हीं का नाम उन नौकरियों वाले में आता है जिनको सरकार नौकरी देती है। तो ये कर पाते हमारे
कितने संख्या को नौकरी इन लोगों ने दिलवाई है ये बताते हैं कि उसकी काबिलियत पर उसको रोजगार मिला है या फिर उसे सीट बेच दी गई है, वो भी लाखों रुपए लेकर। इस पूरे मामले को लेकर कई अभ्यर्थियों ने दोस्तों ये एग्जाम और इसके रिजल्ट को ही अमान्य करार देने की गुजारिश की है कि इसको रद्द किया जाना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। साथ ही इसके लिए सिस्टम से लेकर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को भी दोषी ठहराया है। आपको जानकर हैरानी होगी, आप दंग रह जाएंगे जब मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगी कि इन अभ्यर्थियों में मोदी जी के भक्त भी शामिल हैं, जो योगी जी को मुख्यमंत्री पद ना देने की बात करते हुए दिखाई दिए हैं। आपको स्क्रीन पर खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त बताने वाला अजय सिंह, इस यूजर का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों स्क्रीन पर, जो लिखता है कि नरेंद्र मोदी बस यही सब वजह है जिनके कारण यूपी में आपका वोटर इस वक्त दुखी है। योगी जी को तो इन सब बातों से कोई फिक्र ही नहीं है, हम सब वोट तो भाजपा को ही देंगे लेकिन किसी सक्षम को ही सीएम बनवाएं, वरना हम भक्तों का भी बेरोजगारी और भर्तियां परीक्षा जो है पीएससी ये इन सब से हमारा मोह भंग हो जाएगा। तो ये कौन बोल रहा है? ये भक्त बोल रहे हैं। मतलब 5 सालों में भक्तों की नींद भी खुल गई है, क्योंकि नौकरी अल्टीमेटली सबको चाहिए दोस्तों, पेट सबको पालना होता है। अगर सरकार और उनके सिस्टम में बैठे अधिकारी सीटों का सौदा करेंगे तो भाई डिजर्विंग कैंडिडेट को जॉब कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी। अजय सिंह के बाद संजीव कुमार लिखते हैं कि राम राज्य में खुल्लम खुल्ला धांधली, बस आप उसे धांधली नहीं कह सकते हैं, अधिकतर संस्थाएं मूक हैं और विपक्ष दर्शक दीर्घा में बैठा देख रहा है, नौजवानों के जीवन को बर्बाद करते देश के नेता और अधिकारीगण। वहीं संजीव कुमार के बाद सुधीर कुमार यादव लिखते हैं कि सर पहले इसी एग्जाम में ना 250 में से अगर 180 भी ले आते थे तो सामान्य वर्ग का सिलेक्शन हो जाता था, आज सीटें बढ़ने के बावजूद 250 में से 215 प्लस पर भी नहीं होता है, ईमानदार प्रतियोगियों का उस पर भी सिलेक्शन नहीं होता है, पहले कुछ सीटें बिकती थी इस बार हर एक सीट बिकी है और टाइपिंग के अस्पष्ट नियमों ने बड़ा खेल किया है। तो मतलब आप देख लीजिए दोस्तों कि 5 सालों में महाराज जी ने यानी योगी जी ने सरकारी नौकरियों के सिस्टम को कितना ज्यादा खोखला बना दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगारी से परेशान है और यहाँ लाखों लाखों रुपए में सीटों की नीलामी चल रही है, सीटें बेची जा रही हैं लाखों रुपए लेकर। फिर तो भाई आप अभ्यर्थियों को कह दीजिए ना कि भाई तैयारी करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा दी ही नहीं वो दे ही नहीं रहा है, वो अगली परीक्षा में सिलेक्ट हो जा रहा है, जो एक तरीके से जो अंगूठा छाप है उसकी भर्ती कर ली जा रही है, जो लोग सालों साल पढ़ाई करके एग्जाम क्रैक कर रहे हैं उनको ठेंगा दिखाया जा रहा है क्योंकि उनके पास लाखों रुपए नहीं है सीट के लिए देने के लिए। इसी से अंदाजा लगाइए कि योगी आदित्यनाथ और कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूपी चुनाव के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और उसको लेकर बड़े बड़े दावे इस वक्त यूपी में कर रहे हैं, वो दावे कितने झूठे कितने खोखले हैं। पूरे मामले को कोर्ट में चुनौती देने की बात भी हो रही है दोस्तों, अब उठ रही है इसको चुनौती देने के बाद। तो अगर ये मामला कोर्ट में गया तो फिर सब मालूम पड़ जाएगा कि आखिर कितने बड़े लेवल पर सीटों की नौकरियों की धांधलीबाजी चल रही है, और अभी से नहीं चल रही है, कब से चल रही है, ये योगी जी के आने के शुरुआती से चल रही है। बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लाइव टीवी सच सबसे आगे।